बनाने जा रहे हैं चना मसाला। ये एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और ये फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले मैंने जो छोटे वाले चने होते हैं, देसी चना जिसको कहते हैं, एक कप चने मैंने रात भर भिगो के रख दिए थे। आप इसको कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं अगर आपको शाम में बनाना है तो, नहीं तो आप इसे ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं। अब मैं इसका पानी जो है वो स्ट्रेन कर लूंगी। अब मैंने जो चने हैं उनको एक प्रेशर कुकर में डाल दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, 1 तेज पत्ता, और इसमें आपको बस इतना पानी डालना है जिसमें ये जो चने हैं बस भीग जाए। तो यहाँ पे करीब मैंने 1 ग्लास पानी लिया है। अब मैं इन चनों को प्रेशर कुक करूंगी 5 सीटी तक, या फिर जब तक ये जो चने हैं ये अच्छे से पक नहीं जाए। अब मैंने यहाँ पर एक पैन को अच्छे से गरम कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा, 4 लौंग और 1 तेज पत्ता। इंग्रेडिएंट्स को हमें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है जब तक इनमें से एक हल्की सी खुशबू नहीं आने लगती है। ये देखिए सारे मसाले अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इनको हमें ठंडा कर लेना है। सारे मसाले ठंडे हो गए हैं और इनको मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लिया। इसमें मैं कुछ और मसाले भी ऐड करूंगी। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, खटाई के लिए 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 टेबलस्पून दालचीनी का पाउडर और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। इन मसालों को हम अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए हमने बढ़िया सा पाउडर बना के तैयार कर लिया है। इस मसाले में जब हम चने को पकाएंगे तो जो चने हैं वो बिल्कुल लिपटे बनेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। चलिए आइए अब आगे की प्रोसेस को स्टार्ट। हमारे चने भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। यहाँ पे अगर मैं एक चने को इस तरह से प्रेस करूंगी अगर, तो ये इजीली इस तरह प्रेस हो जाना चाहिए, विच मीन्स हमारे जो चने हैं वो अच्छे से पक गए हैं। यहाँ पर एक एल्युमिनियम की कढ़ाई ली है। आपके पास अगर लोहे की कढ़ाई है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म होगा मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो करके जो हमने मसाला पीसा था वो उसमें ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। के तुरंत बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं और इनको हमें थोड़ी देर अच्छे से पका लेना है। आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो मसालों से सेपरेट हो गया है, विच मीन्स मसाले अच्छे से पक गए हैं। इसमें ये चने ऐड कर रही हूँ सारे के सारे और हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे पकाना है जब तक इसका जो पूरा पानी है वो अच्छे से रिड्यूस नहीं हो जाता। आपको बीच बीच में इसको हल्के से चलाते जाना है। जब ये पानी अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा तो आप देखोगे जो मसाला है वो सारे ही चने में अच्छे से लिपट गया है। आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है कितना ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। हल्का सा मॉइस्चर है इसमें, बट मैं स्टेज पे ही गैस जो है वो बंद कर दूंगी और इसको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब ये इसी में ऐसे ठंडा होगा तो जो चने का कलर है वो थोड़ा सा और डार्क होगा। ये देखिए चने जो है हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। फाइनली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। चना मसाला रेडी है, आइए इसको सर्व कर लेते हैं।